हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन से आने वाले प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, उसके प्रॉब्लम को कैसे एक मिनट के अंदर में सॉल्व करना है, उसके बारे में कंप्लीट आइडिया देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक फार्मूला रिक्वायर्ड है, जो बेसिक कंसेप्ट रिक्वायर्ड है, उसके बारे में मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉइंट नंबर वन, जब भी डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन हो तो ऐसे केस में ऊपर वाले फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर लेना है, नीचे वाले फंक्शन को भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर लेना है, और फिर ऊपर वाले फंक्शन को ऊपर लिख देना डेरिवेटिव को, नीचे वाले का नीचे लिख देना, तो ये आ जाएगा। कभी कभी आपको हो सकता है सिंप्लीफाई करना पड़ जाए, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, तो उससे फिर डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ईजी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, तो पॉइंट नंबर वन क्लियर होना चाहिए। पॉइंट नंबर टू, डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉग विथ बेस ए पावर बी हो, अगर इसको किसी अदर बेस में चेंज करना हो तो आप ऊपर वाले को ऊपर लिखेंगे, नीचे वाले को नीचे। कहने का ये मतलब हो गया कि इसी को ऐसे लिखा जा सकता है, लॉग बेस ई पावर बी, बी ऊपर था तो ऊपर कर दिया, लॉग बेस ई ए नीचे था तो नीचे कर दिया, राइट। तो ये नेचुरल लॉग बी नेचुरल लॉग ए हो गया। इसका यूज कहाँ पे होता है, अगर ln x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई एक्स होता है, राइट, ये सबको मालूम है। लेकिन लॉग विथ बेस ए पावर x अगर इसका करना होगा तो फिर सिर्फ 1 बाई एक्स नहीं होगा, ln a भी आ गया। ये कैसे आया, तो यहीं से, क्योंकि मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, लॉग विथ बेस ई x, और नीचे क्या लिख सकते हैं, लॉग विथ बेस ई a, तो वही बच जाएगा नेचुरल लॉग, और लॉग विथ बेस ई पावर x का क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स। तो इसलिए इस पॉइंट का ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कहीं पे भी टेन इनवर्स समथिंग, यहाँ पे कोई भी फंक्शन आता है, कोई भी फंक्शन आता है, तो उसको ऑलवेज क्या कोशिश करना है, टेन का फंक्शन बनाने की। क्यों, क्योंकि टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स क्या हो जाता है, एक्स, राइट। तो यहाँ से समझना है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी उसको समथिंग पुट कर करके या जैसे भी सॉल्व कर करके आपको टेन का फंक्शन लेके आना है, सो डैट ईजिली सिंप्लीफाई हो जाएगा। पॉइंट नंबर फोर, डैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी वाई बाई डी एक्स का बेसिक मीनिंग क्या है, ये स्लोप को बताता है। तो डैट मीन्स वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन लिख सकते हैं। इसी को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट हेच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ हेक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई हेच, राइट। ये वही चीज़ हो गया, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, इसको एफ डैश एक्स या वाई वन भी लिख सकते हैं, ये सब एक ही बातें हैं। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी ये फार्मूला भी बहुत यूजफुल होता है, तो इसका ध्यान रखना है। कैसे, तो यहाँ से ग्राफ से भी समझाया, x पे अगर y1 वैल्यू है, x प्लस h पे अगर y2 है, तो ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ही है, तो ये f डैश x ही है। तो पॉइंट नंबर फोर को भी ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर फाइव, डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी अगर इस टाइप का फंक्शन आपको देखने को मिले, रूट अंडर ऑफ ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर ऑफ ए माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में इसी टाइप से हो, तो ऐसे केस में एक्स स्क्वायर को ए कॉस टू थीटा पुट करना है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यू नो कॉस टू थीटा को क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो स्क्वायर आएगा तो ये माइनस वन प्लस वन से या माइनस ए प्लस ए से ये सब कैंसिल हो जाएंगे, और एक्स स्क्वायर से रूट हट जाएगा। मेन फंडा यहाँ पे ये है कि आपको किसी तरह रूट हटा लेना है। तो जब आप ऐसा पुट करेंगे तो फाइनली ये कन्वर्ट होकर के इस टाइप में आ जाएगा, वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा, ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, प्लस होता तो यहाँ प्लस होता, और यू नो वन को क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाय फोर, तो ये टेन ए माइनस टेन भी वन प्लस टेन ए टेन भी हो गया, तो वहाँ से क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा, तो ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए इस पॉइंट का ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर फाइव। पॉइंट नंबर सिक्स, डैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पर डी एक्स बाई डी टी अगर क्यू ऑफ टी आ रहा है, और अगर आपको डी टी बाई डी एक्स निकालना हो, उसका रिवर्स निकालना हो, तो वो क्या हो जाएगा, वन बाई में हो जाएगा, दैट्स वेरी सिंपल। तो ये जो मैंने छः पॉइंट लिखे हैं इसको अच्छे से समझ लो, अब जितने भी प्रॉब्लम आएंगे इसका हम यूज़ कर करके ईजिली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में, इफ एफ डैश एक्स टेन इनवर्स ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, एफ ऑफ जीरो जीरो है, तो एफ ऑफ वन बताना है। तो पहले मुझे फंक्शन एफ एक्स मालूम होगा तभी ये निकाल सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, एफ डैश एक्स टेन इनवर्स ऑफ समथिंग है, तो मुझे इसको टेन का फंक्शन बनाना पड़ेगा, राइट। तो कैसे बना सकते हैं, तो ध्यान से देखो क्या लिख देंगे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को आप वन बाई कॉस एक्स, और टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब वन को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। और यहाँ पे
कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दिया। तो यहाँ से क्या फ़ायदा हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी, तो डैट मीन्स साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू इंटू ए माइनस बी, डैट इज कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से ये तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा, ध्यान से देखो, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अगर मैं कॉस एक्स बाई टू से सब में डिवाइड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस टेन एक्स बाई टू, और यू नो वन को क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई फोर, तो ये टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन भी हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। तो डैट मीन्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स को मैं इतना लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो गया फाइनली, टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। तो अभी बताया tan इनवर्स ऑफ tan x x हो जाता है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, पाई बाय फोर प्लस एक्स बाई टू, डैट इज़ योर f डैश x, इसलिए एफ एक्स इंटीग्रेट कर देंगे, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, पाई बाय फोर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस सी, चूँकि f ऑफ जीरो जीरो है, यहाँ जीरो पुट करेंगे तो c जीरो आ जाएगा, तो इसलिए एफ एक्स आपका हो जाएगा पाई बाई फोर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फोर, इसलिए आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ वन पूछा है तो x की जगह वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर प्लस वन बाई फोर, डैट इज पाई प्लस वन बाई फोर, सो योर ऑप्शन विल बी ई। तो आपको ऐसे इस तरीके से थंक करना है, देख करके डरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू में डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ दिस विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स ऑफ दिस निकालना है, डैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन आपको निकालना है, तो राइट। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ये वाले पूरे फंक्शन को एक अनदर फंक्शन एज्यूम कर लेता हूँ यू, तो यू इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर माइनस वन बाई एक्स, और वैसे ही इस फंक्शन को मान लेंगे वी, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स ऑफ रूट अंडर ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस वन डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ रूट अंडर ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये टेन इनवर्स समथिंग है, तो इसको मुझे टेन का फंक्शन बनाना पड़ेगा, राइट। तो पुट कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, ये कैसे मेरे माइंड में आया, क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा माइनस वन बाई टेन थीटा हो जाएगा, राइट। आप सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉस थीटा माइनस वन बाई टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, वन माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखो, कॉस थीटा को लिख सकता हूँ वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, राइट। साइन ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बता रखा हूँ, उससे मैंने इसको यूज किया, तो यहाँ पे ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, ध्यान से देखो, अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो सिर्फ क्या बचेगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और इसको लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, राइट। टू साइन है इंटू कॉस भी, साइन टू हो जाएगा, तो उससे ये कैंसिल हो जाएंगे, ध्यान से देखो, टू टू साइन, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई टू, तो इसका मतलब ये चीज़ें क्या हो गया, यू इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई टू, इससे क्या फ़ायदा हुआ, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स एक्स हो जाता है, तो यू क्या आ जाएगा, थीटा बाई टू, राइट। वैसे ही यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा पुट किया तो वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, सिर्फ अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखो, तो ये वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये सेक थीटा प्लस वन बाई टू टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, सेक थीटा, राइट। अब सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, अगेन वन बाई कॉस थीटा प्लस वन बाई टू इंटू वन बाई कॉस थीटा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा बाई टू, राइट, और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो अब यहाँ पे फिर से भाई कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ध्यान रहे ये सब में रूट चल रहा था, राइट,
रूट आप कैंसिल नहीं करेंगे, रूट पहला वाला चल रहा था तो ये बाई टू और ये रूट रहेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा बाई टू। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बाई टू, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, एक्स हो जाएगा तो ये भी क्या आ जाएगा थीटा बाई टू। हमें क्या निकालना था, डी यू बाई डी वी, चूँकि यू भी फंक्शन थीटा बाई टू है, वी भी थीटा बाई टू है, दोनों सेम हो गए तो क्या हो जाएगा वन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। तो इस तरीके से आपको थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री में y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स टेन एक्स है तो dy बाई डी एक्स बताना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सारे ऑप्शन लॉग टू के फॉर्म में है, यहाँ पे बेस मेंशन नहीं है, तो आइदर बेस e हो सकता है या 10, तो हम इस फंक्शन को एक्सप्लिट कर सकते हैं बेस 10 या e में। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स और टेन एक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ टेन एक्स बाय लॉग ऑफ साइन एक्स, राइट। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स मुझे निकालना है तो ये यू बाई वी रूल लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो लॉग ऑफ साइन एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज लॉग ऑफ साइन एक्स और ऊपर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो लॉग एक्स का वन बाई एक्स हो गया और फिर टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा और ये एज इट इज़ तो लॉग ऑफ टेन एक्स और लॉग एक्स का वन बाई एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। अब क्या पुट करना है, एक्स इजकल टू पाई बाई फोर, तो ये पुट करोगे तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये लॉग ऑफ वन बाई रूट टू, ये वन बाई वन हो जाएगा और ये सेक तो रूट टू का स्क्वायर माइनस, ये लॉग वन जीरो हो जाएगा तो पूरा वो जीरो, नीचे में लॉग ऑफ साइन एक्स तो ये वन बाय रूट टू का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यू नो वन बाय रूट टू को रूट टू की पावर माइनस वन, तो इधर बार आ जाएगा तो ये फाइनली क्या हो जाएगा माइनस वन बाय टू और ये इंटू टू लॉग टू डिवाइडेड बाय, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो वन बाय फोर लॉग टू का स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ, राइट। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दिया, नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ से समझ सकते हो, लॉग वन बाय रूट टू को क्या लिख सकते हैं लॉग रूट टू की पावर माइनस वन, तो ये माइनस लॉग रूट टू, रूट टू मतलब टू की पावर वन बाई टू, तो ये माइनस हाफ लॉग टू हो सकता है, राइट। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो एक से ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, आप ध्यान से देखो तो माइनस फोर बाय लॉग टू, सो योर ऑप्शन विल बी सी। तो इस तरीके से आपको थिंक करना। क्वेश्चन नंबर फोर में इफ़ वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई टू एक्स वाई के बराबर है तो आपको डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो पे बताना। तो यहाँ पे हम वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स नहीं लिख पाएंगे तो इसलिए ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सिंपल डिफ्रेंशिएट कर देंगे लॉग एक्स मानते हुए तो क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स, राइट। और फिर अंदर में जाएंगे तो एक्स का डेरिवेटिव वन, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश इज इक्वल टू टू, तो आपका यही रहेगा राइट, तो ये u इंटू वी रूल लगा देंगे तो x का डेरिवेटिव 1 तो y हो जाएगा प्लस y का डेरिवेटिव इंटू एक्स हो जाएंगे। अब हमें dy वाई बाई डी एक्स निकालना है एट x इजकल टू जीरो, तो x की जगह 0 पुट कर देंगे, यहाँ 0 ये 0 तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हमें y वैल्यू नहीं मालूम है। तो ध्यान से देखो अगर x 0 पुट करेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा राइट, ये वाला 0 हो जाएगा, तो log y क्या होना चाहिए 0, और log y 0 कब हो सकता है जब y क्या हो जाएगा 1। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि एट एक्स इजकल टू जीरो पे वाई वन हो जाएगा, सिंपल पुट करके देख लेना है। तो वाई की जगह क्या पुट कर दूंगा वन, तो ये वन ही हो जाएगा, तो ये वन प्लस वाई डैश इजिकल टू क्या हो जाएगा टू, तो वाई डैश क्या हो गया टू माइनस वन तो वन, सो योर ऑप्शन विल बी सी। तो इस तरीके से आपको थिंक करना है, इस टाइप के केस में आपको एक्स वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू निकाल लेना है। नाउ ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई फंक्शन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में गिवन हो और उसका डेरिवेटिव निकालना हो तो f डैश x क्या हो जाएगा, पहले इस वाले रो का डिफ्रेंशिएशन कर देना और बाकी दो रो एज इट इज़ लिख देना आपको, फिर दूसरी बार में प्लस ये वाले रो का डेरिवेटिव करना ध्यान से देखो और बाकी जो दो रो हैं वो एज इट इज लिख देना, फिर प्लस नीचे वाली थर्ड वाली रो का डिफ्रेंशिएशन होगा और बाकी दो रो एज इट इज़ लिख देना। तो ये है अगर कोई डिटरमिनेंट के फॉर्म में फंक्शन गिवन है तो उसको डिफरेंशिएट करने का तरीका। तो आई होप आपको सारा पॉइंट क्लियर होगा। अब अगर आप इस तरीके से थिंक करेंगे तो आपके सारे प्रॉब्लम इजीली हो सकते हैं। थैंक यू।